शहर का जीवन भले ही बहुत से लोगों को अच्छा लगता हो, लेकिन यहाँ वह शांति नहीं है जो गांव में होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत और शांत होते हैं और यहाँ मन को भी काफी शांति मिलती है। भारत कई इको गांव का घर भी है और अगर आप प्राकृतिक परिवेश में रहना पसंद करते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 प्रमुख गाँव के बारे में बताएंगे जहाँ आपकी छुट्टियाँ आनंदमय तरीके से बीतेंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पिपलांत्री, राजस्थान। राजस्थान के पिपलांत्री गांव ने तब लोकप्रियता हासिल की जब उसने एक लड़की के जन्म के लिए एक पेड़ लगाने का अनूठा आंदोलन शुरू किया। जब भी कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो ग्रामीण पेड़ लगाने की परंपरा का पालन करते हैं। इसका उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करना और राज्य के हरित आवरण को जोड़ना है। इस गाँव में आकर आपको प्रकृति के प्रति प्रेम की एक अलग ही अनुभूति होगी। नंबर 2, बघुवार, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित बघुवार गाँव में आजादी के बाद से अब तक कोई नेता या सरपंच नहीं रहा है। वर्ष 2007 में इसने खुले में शौच मुक्त गांव के बनने के लिए पूर्ण स्वच्छता हासिल की। गांव में एक भूमिगत सीवेज सेटअप और 55 से अधिक बायोगैस संयंत्र हैं, जो खाना पकाने और घरों को रोशन करने के लिए ईंधन की आपूर्ति करते हैं। इस हरित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर गाँव की साक्षरता दर भी 100% है। नंबर 3, खोनोमा, नागालैंड। नागालैंड के खोनोमा गांव को एशिया का पहला हरित गांव घोषित किया गया है। इस गांव में 100 से ज्यादा विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। अगर आप इस गांव को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि खोनोमा में बना हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह पूरी जगह घूमने के लिए बहुत ही अच्छी है। नंबर 4, हिवेरे बाजार, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहमदाबाद नगर जिले में स्थित हिवेरे बाजार गांव अपनी सिंचाई प्रणाली और जल संरक्षण कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। इस प्रणाली ने 1972 के भीषण सूखे से निपटने में भी मदद की। 1990 के दशक में ग्रामीणों ने जल गहन फसलों की खेती बंद कर दी और स्तर को फिर से भरने में मदद करने के लिए अन्य जल बचत उपयोगों के साथ डेयरी फार्मिंग और बागवानी की शुरुआत की। इस गाँव में पानी से भरे 300 खुले कुएं भी हैं। नंबर 5, ओदनथुराई, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित यह खूबसूरत इको गांव ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए जाना जाता है। गांव में 350 किलोवाट की क्षमता वाली एक पवन चक्की है। इससे पैदा होने वाली 6.75 लाख यूनिट बिजली में से करीब 2 लाख यूनिट तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेची जाती है। इस बिजली से होने वाली आय का उपयोग गाँव के विकास और ऊर्जा वर्धक प्रयोगों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 ऐसे खूबसूरत गाँव जहाँ पर आप अपनी छुट्टियाँ आनंदमय तरीके से बिता सकते हैं। ये गांव आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।